सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो इस फाइनली जो है टीवीएस चैपलिन का अपडेट आ चुका है। जो न्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है, कोई फेक रूमर्स नहीं है। कंफर्म न्यूज़ जो है अपने पास आ चुकी है, जो टीवीएस चैपलिन है उसका जो अभी वेट ख़त्म हो चुका है। जून मंथ में जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो वीडियो को जो है कंप्लीट देख लेना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए इस बात करते हैं टीवीएस चैपलिन के बारे में। आपको पता है कुछ साल पहले जो इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, बट फाइनली 2021 में इसको लॉन्च किया जा रहा है। 2020 में लॉन्च कर देते बट लॉकडाउन की वजह से जो इसको लॉन्च नहीं किया गया। एंड अभी जो है बजट भी बन चुका है लोगों का, जो कि एक बाइक खरीद सकते हैं। जिनका ड्रीम था वो जो है अब 2021 में अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, जिनको चैपलिन चाहिए थी। सो अभी जो है 2021 में टीवीएस अपनी चैपलिन को लॉन्च करने वाली है। जून मंथ में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। सो अभी जो है एक RR 310 का भी अपडेट आने वाला है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट होगा, जो नेक्स्ट लॉन्च इवेंट होगा, वो जो है चैपलिन का ही होने वाला है। सो ये जो न्यूज़ है ये हमारे पास आई है, कुछ वेबसाइट से नहीं आई, ये जो है डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास न्यूज़ आई है कि जो बाइक है वो जो है जून मंथ में लॉन्च होने वाली है। सो आप इसके लिए वेट कर सकते हो तो सबसे बेटर होगा, बिकॉज चैपलिन जो है एक बेस्ट क्रूजर बाइक हो सकती है अपने सेगमेंट की। टीवीएस की जो बाइक्स है फीचर लोडेड होती है, सो चैपलिन भी जो है फीचर लोडेड होने वाली है। सारे फीचर्स जो आपको चैपलिन में भी मिलेंगे। सबसे पहले तो बात करता हूँ इसके लुक्स के बारे में। जो चैपलिन का जो लुक्स है वो यार सबसे बेटर मेरे को लगता है, जो लुक्स वो है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक है, यहाँ पे देखने में भी जो है बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसी जो इंडियन मार्केट में अभी तक कोई भी बाइक नहीं है जो ऐसे लुक्स के साथ में, ऐसे फीचर्स के साथ में आए। सो ये जो लुक्स है काफ़ी शानदार लग रहा है, एक फील देता है प्रीमियम बाइक का। यहाँ पे फ्रंट में आपको काफ़ी खूबसूरत इसमें LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, USD सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में जो है स्पोक व्हील्स आपको मिलता है, रियर में भी। सो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, बट क्या पता अलॉय व्हील का आपको ऑप्शन मिल जाए। बाकी इंजन जो है आपको इसमें 220cc का मिलेगा, जो कि शायद आपको 310cc का भी मिल सकता है और 200cc का भी। यहाँ पे 220 की जगह जो है 200 और 310cc का मिल जाए, बाकी देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है 310 या फिर जो है 220cc का ही इसमें मिलना चाहिए, 220 नहीं 200। सो यहाँ पे जो है इनके पास ऑलरेडी ये इंजन है तो शायद ये यूज करें, बट बाकी देखते हैं कौन सा यूज करते हैं। गाइस आपको बता दूँ इसका जो टैंक है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आता है। जो रियर का पूरा लुक है वो भी काफ़ी शानदार है। एंड रियर से जो इसका लुक्स है वो जो है फील देता है एक महंगी बातचीत वाली। तो यहाँ पे जो है बाइक को यदि कोई एक नज़र से देखता है तो उसको जो है लगेगा कि बाइक जो है काफ़ी कॉस्टली है, लगभग 10-15 लाख रुपए की। बट यदि मैं रियलिटी में बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग लगभग होने वाली आपके 2 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी ये बाइक हो सकती है टीवीएस की तरफ से, एक क्रूज़र सेगमेंट में जो है ये तहलका मचा देगी। जून मंथ में जो इसको लॉन्च किया जाएगा, टीवीएस कंपनी ने जो इसको कन्फर्म कर दिया है, इंडियन मार्केट में जो है 2021 में आ जाएगी। एंड इसमें जो है आपको सिंगल सीट मिलेगी, बट कम्फर्ट जो है काफ़ी शानदार आपको देगी वो सिंगल सीट ही। फुल्ली डिजिटल आपको इसमें मीटर कंसोल मिलेगा जो कि इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे देगा। इसमें जो है आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलेगा जो कि बाइक को जो है हीट से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। तो यहां पे जो है गाइस आप इसके लिए वेट कर सकते हो। एंड यहां पे बाइक जो है काफी जल्द लॉन्च होगी। जो प्राइसिंग है वो जो है मैं आपको बता दूं, लगभग जो है 2 लाख रुपए तक इसके एक शोरूम जा सकती है। एंड ऑन रोड जो है लगभग लगभग 2.30 लाख तक जा सकती है। सो बाकी इस बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस वगैरह, और उसके अलावा यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फ्री मिलेगी, वाइब्रेशन जो इसमें नहीं मिलेगी इतनी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ फीचर्स जो आपको बाइक में मिल जाएंगे। रियर में जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेगा। एंड रियर से जो लुक है वो फिर से बोलूँगा कि रियर का जो लुक है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे नीचे जो है आपको इंजन काउल भी मिल जाता है, नीचे से जो है काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। नीचे से भी जो इसका इंजन काउल है वो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है गाइस आप इसके लिए वेट करो। तो इंस्टाग्राम पे जो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जो मैं एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करो, जल्दी जो आपको रिप्लाई मिलेगा। नीचे जो है मैंने लिंक दे दिया है, जल्दी जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।